नमस्कार आदाब नाजरीन, मैं हूं शमा अफरो। सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। जैसा कि जान रहे हैं कि बंगाल की सरजमीन पर तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही झंडा लहराती आई है और गुज़िश्ता कल के चार जगहों पे जो फतह हासिल हुई है, तो कहीं गुलाल के जरिए अपनी खुशियों को मनाया गया है, तो कहीं जरूरतमंदों के दरमियान खाना तकसीम करके खुशी मनाई गई है। नेशन पीस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से वार्ड नंबर 43 में मनाया गया है, जिसके सरबराह चीफ एक्स काउंसलर इखलाक अहमद के अलावा वहां पे दिगर हजरात भी मौजूद थे। मैं आपको बताती चलूं कि पैट्रॉन के हैसियत पैट्रॉन अब्दुल्ला खान, पैट्रॉन मोहम्मद मुबीन, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम, प्रेसिडेंट शाहरुख अली और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला सऊद के अलावा दानिश इखलाक भी वहां पे मौजूद थे। काउंसलर इलेक्शन होने वाला है और ऐसे में एक्स काउंसलर इखलाक अहमद, ये तृणमूल कांग्रेस में इस तरह के लोगों की कहीं भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये माँ माटी मानुष की सरकार है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। रिजल्ट अब हमने वोट दिया, माँ माटी मानुष की सरकार को लोगों ने पसंद किया, ममता बनर्जी के काम को लोगों ने पसंद किया और हम लोग पूरे सीट पे 40 सीट पे आ गए। तमाम मगरब बंगाल के रहने वाले एक मिजाज यहाँ का और यहाँ की मट्टी ही एक अलग, उस जहनियत उस सोच के हम लोग नहीं हैं। और बंगाल में उन्होंने कोशिश किया लेकिन नाकाम हो गए, वो वापस चले गए यहाँ से, लेकिन दूसरी जगह जो वो कर रही है उनका तो एजेंडे में शामिल है, वो इसी के लिए तो है। ये बांटो, हिंदू मुस्लिम करो, राज करो, इनका तो पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है, हिंदू परिषद की पॉलिसी है। ये तो सवाल लड़ाओ दंगा फसाद हिंदू मुक्ति, और इनका कोई काम तो नहीं। आज मगरबी बंगाल में आवाम ने इन्हें ठुकराया और आने वाले दिन में पूरे हिंदुस्तान में ठुकराए, क्यों? इसी की इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ बांटो हिंदू मुस्लिम की बात करो, लड़ाओ दंगा फसाद करो, इतना आवाम आप वोट नहीं देगा। आप देखिएगा आने वाले भाई इलेक्शन का रिजल्ट, आप भी देखेंगे। और दूसरी जगह हम लोग गोवा में भी अच्छी मतलब तादाद में सीट लेंगे और त्रिपुरा में तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेंगे, हो सकता है हम लोग त्रिपुरा में मिनिस्ट्री बना लें। इस पोजीशन में पार्टी ने स्टैंड जो वहाँ लिया है और आवाम की जो वहाँ पर टीएमसी के साथ जो जुड़ाव है, आवाम के साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो हमारे लीडर हैं उनके साथ जो आवाम जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हमारी टीम 2 साल से काम कर रही है। लोग दिन ब दिन वहाँ पे त्रिपुरा में जुट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं हमारे लोगों को, जेल भेज रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाम सब देख रही है। और जिस तरह मगरब बंगाल के आवाम ने फैसला किया उसी तरह त्रिपुरा और गोवा के भी आवाम उनके साथ वही चीफ मिनिस्टर मगरब बंगाल की ममता बनर्जी, माँ माटी मानुष की सरकार जो पूरे हिंदुस्तान में मुखालफत कर रही है, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, धर्म के नाम पर मारपीट हो, मजहब के नाम पर मारपीट हो, तमाम चीज़ों के बारे में, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, बेरोजगारी हो और तो हमारी बच्चियों का इज्जत आबरू का मसला हो, तमाम बातों पर हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। सिर्फ वाहिद पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में तृणमूल कांग्रेस। 144 का 144 सीट पर मैंने पहले भी कहा था, इसके पहले आज से 4 महीना पहले इलेक्शन से पहले, असेंबली इलेक्शन से पहले, कि 200+। हमारे एक रिपोर्टर साथी ने कहा कि सब तो 200 बोल रहा है, आप भी 200 बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं 200+ बोल रहा हूँ और मैं फिर आज आपके सामने अपने तमाम अपने टीएमसी के वर्कर यहाँ अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं, हमारे साथी सुहेल भाई मौजूद हैं, मबीन मौजूद हैं, खुर्शीद भाई मौजूद हैं और तमाम हमारे इलाके के लोग मौजूद। फिर मैं आज कह रहा हूँ 143 का टारगेट है और 144 का 144 सीट हम लोग जीतेंगे। 5 साल में जो डेवलपमेंट की बात, जो वादा जो किया गया है, अगर ऐसे काउंसलर अगर नहीं कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहा है, तो क्या ऐसे काउंसलर को टिकट मिलना चाहिए आपकी नज़र में? ऐसा तो नहीं है, हमारे नज़र में कोई काउंसलर ऐसा नहीं है जो वादा खिलाफी कर रहा है और पार्टी की बात नहीं माने। अगर ऐसा होता तो पार्टी बहुत दिन पहले माँ माटी मानुष की सरकार, ममता बनर्जी खासकर हमारी जो वजीर आला है, वो कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती, वो फौरन किक आउट कर देती है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े तोप को उन्होंने हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और फिर बहुत सारे लोग हटे भी और चले भी आए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मामा डी मानुष की सरकार में किसी तरह का कोई चापलूसी और गंदे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। जरूरतमंदों को ये तकसीम किया जा रहा है।
इखलाक भाई की क्यादत में ममता बनर्जी और आदित्य बनर्जी, बी गुप्ता, सुधीर बंदोपाध्याय के सब मिलजुल कर हम लोग यह गरीब बंदों को खाना दे रहे हैं। मगर काउंसलर इलेक्शन करीब है, ऐसे में 5 साल में क्या आपने जो वादा किया था उस वादे पर आप खरी उतरी हैं? हाँ, पूरा उतरे हैं। लॉकडाउन से लेकर आज तक साने में साने हम लोग पूरा वार्ड के जरूरतमंदों का पूरा काम किए हैं, खाना तकसीम किए हैं और जो छोटे बच्चे हैं दूध वगैरह सब हम लोग दिए, पानी बिजली वगैरह सब। इलाके में डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है? इलाके में डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है? देहाती में देहाती मार्केट के पास जो ये सर्फ खाना है वो बंद हो गया, दो कंप्यूटर मशीन लगा, जंजा लाइन में पाइप जो पाइप लाइन होता है पानी का वो चेंज हुआ है, देहाती में सब पानी का बहुत तरीके से हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है और हम सब एक साथ। एजुकेशन पे कुछ काम हुआ है यहाँ पे? हाँ, बच्चों लोग एजुकेशन में काम हुआ है, बच्चों लोग आगे बढ़े। और मेरे वार्ड नंबर 43 के काउंसलर वो हमारा काफ़ी साथ देते हैं, हम भाई लोग सब भाई लोग सबका साथ देते हैं, ये प्रोग्राम के इंशाल्लाह इससे भी आगे प्रोग्राम करते रहेंगे। और मेरे भाई राजनीतिक लाख वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, काफ़ी साथ देते हैं वो, और ऐसे हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। ये कमेटी आपने कब तक की हुई है? एक हफ्ते पहले मैंने ये आप लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम है। हम लोग गरीबों के लिए कम से कम तकरीबन 300 पैकेट 300 साढ़े 300 के करीब हम लोग गरीबों में चावल और आलू का तकसीम कर रहे हैं, और ये चीज़ हम अपने एक्स काउंसलर इखलाक अहमद साहब के उनके आदर्श पे उनके दुआओं के वजह से हम लोग ये सब चीज़ अरेंजमेंट कर पाए हैं। हम लोग में इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं जैसा कि काउंसलर उत्तर प्रवीण साहिबा या फिर इकबाल साहब, ये सब भी हम लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। और इसमें सबसे बड़ा अगर हाथ रहा है हम लोगों को ये बांटने में, गरीबों को इस चीज़ को तकसीम करने में, तो दानिश अखलाक साहब जो हमारे गार्जियन के तौर पर हम लोग के सामने आए।